हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नो चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टर्मेक्स की ऐसी कुछ कमांड्स को जानेंगे जिससे थ्रू जो है आप अपने मोबाइल की हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। कुछ ही बेसिक से कमांड्स है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल कमांड है। तो सबसे पहले हम अपने इस टर्मिनल को कर देते हैं यहाँ से क्लियर और अब यहाँ पे हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना है कि हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल फ़ोन में जो हमारा कर्नल नेम है वो नेम क्या है। तो इसके लिए आप यहाँ पे शो करेंगे यू नेम, तो इससे जो है कर्नल नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया लिनक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं एंड्रॉयड जो है एक लिनक्स बेस्ड ओएस है, मोबाइल ओएस। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसकी रिलीज़ इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाए तो आप लिखेंगे यू नेम स्पेस माइनस आर। जैसे आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है रिलीज़ इन्फॉर्मेशन जो है कर्नल की यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ऐसे ही आपको अगर वर्जन शो करना है, ठीक है, कर्नल का वो कौन सा है, तो वो भी आप शो करा सकते हैं। बस यहाँ पे आप लिख दें माइनस वी, यू नेम स्पेस माइनस वी, तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल जो है शो हो जाएगा। ठीक है, आप एक एक डिटेल्स जो है यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये वो डिटेल्स है जो आपको बेसिकली मोबाइल में सर्च करने पर नहीं मिलती। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं माइनस एम, तो यहाँ पर देखिए आपको इसका आर्किटेक्चर शो हो जाएगा कि आपका मोबाइल फ़ोन का आर्किटेक्चर क्या है। अगर मैं यहाँ पे माइनस ओ कर दूँ तो यहाँ पे बता देगा कि अभी करंटली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिवाइस में रन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया एंड्रॉयड। ये इसलिए कमांड है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग लिनक्स फ्लेवर पे यूज़ होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम माइनस ओ का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप CPU की इन्फॉर्मेशन जो है गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा LS CPU। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से यहाँ पे जो है प्रिंट जो है यहाँ पे शो हो जाए, जो मेरे कमांड का आउटपुट है। तो आप देखिए यहाँ पे जो है प्रिंट नेम यहाँ पे शो हो गया, मेरे CPU की पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे आ गई है। इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन जैसे इसका वेंडर कौन है, ठीक है, इसमें कितने कोर्स हैं, कितने मेगाहर्ट्ज का है, एक एक डिटेल जो है आपको यहाँ पे शो हो गई। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ मेगाहर्ट्ज में ही शो करूँ तो इसके लिए कमांड्स है LS CPU स्पेस फ्लैग लगा देना है, स्पेस आपको लिखना है यहाँ पे ग्रीप GREP स्पेस माइनस आई, तो देखिए, और आपको लिख देना है MHZ। इससे जो है बता देगा कि आपके कंप्यूटर में जो कोर्स हैं वो कितने मेगा हर्ट्स के हैं। तो यहाँ पे इसने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहा था, इसलिए मोबाइल फ़ोन के कोर्स बता दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे बोगो लिख देता हूँ तो यहाँ पे जो है फ्रेंड से पावर रेटिंग बताएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने पावर रेटिंग जो है मेरे को यहाँ पे बता दी है। तो अगर आप इसके MHZ की जगह बोगो लिख देते हैं तब। अगर आपको ये जानना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में कितनी मेमोरी यूसेज है, वो भी मेगाबाइट्स में, तो आप लिखेंगे फ्री कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्री स्पेस माइनस एम, तो ये कमांड जो है शो कर देगी आपके मोबाइल फ़ोन में कितनी मेमोरी अभी खाली है, कितनी अवेलेबल है, ठीक है, और कितनी यूसेज हो चुकी है। टोटल डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आप जो है इसको छोटा बड़ा करके जो है अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि बड़े में कभी कभी डेटा जो है जिगजैग हो जाता है जिससे आपको पता नहीं चल पाता है। अगर आपको ये देखना है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से CPU प्रोसेस चल रहा है, मेमोरी डिटेल्स क्या है, तो यहाँ पे कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। उसके लिए कमांड है टॉप कमांड। जैसे आप यहाँ पे टॉप कमांड को लिखेंगे तो फ्रेंड्स ये कमांड क्या करेगी, एकदम रियल टाइम डेटा जो है आपको यहाँ पे शो करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे रियल टाइम में डेटा जो है अपडेट होता रहता है। जैसे कि आप सभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में देखते हैं टास्क बार वगैरह में, उस टाइप से जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा अपने मोबाइल के अंदर। अगर आप इसे एग्जिट करना चाहते हो तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। तो एग्जिट के लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल प्रेस करना है और कर देना है जेड, तो देखिए आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपने इसे स्टॉप कर दिया है। तो चलिए इसे क्लियर कर देते हैं। अब अगर फ्रेंड्स आप सभी कैट कमांड के थ्रू CPU इन्फॉर्मेशन का एक एक कोर की बेसिक डिटेल अगर प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 4 कोर हो सकते हैं, 8 कोर हो सकते हैं, ठीक है, 2 कोर भी हो सकते हैं आपके मोबाइल में, अगर वो प्रिंट करवाना है तो कैट कमांड के थ्रू आप लिखेंगे कैट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, लिखेंगे PROC, फिर फॉरवर्ड स्लैश CPU इन्फो स्पेस माइनस गेट CPU इन्फो, ठीक है। इससे क्या करेगा, ये पूरी CPU की इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर प्रिंट कर देगा एक एक कोर की, ठीक है। वहाँ पे हमने सिर्फ नेम शो किया था, यहाँ पे इसने एक एक इन्फॉर्मेशन जो है पर्टिकुलर एक एक कोर की यहाँ पे प्रिंट करा दी है। तो बहुत अच्छी कमांड है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल कमांड है। अगर आप सभी एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सारी कमांड्स जो है आप सभी को जानना जरूरी है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स आप सभी को कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आने वाले नेक्स्ट टॉपिक पे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो भी नीचे कमेंट में जरूर कीजिए। अगर आपने मेरे को अभी तक सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।